पूरे बिहार में डीजीपी के आह्वान पर बिहार पुलिस दिवस मनाया जा रहा है, जो 20 फरवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा और 27 फरवरी को कटिहार में रक्तदान के कार्यक्रम के साथ समाप्त होगी। पुलिस दिवस के पहले दिन एसपी जितेंद्र कुमार और डीएम उदयन मिश्रा के नेतृत्व में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो शहर के बाद कई वार्डों में घूमी और लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा करता है मोहल्ले का क्या, बाहर का भी होते हैं सब लोग, मिली जुली सरकार सब कोई रहता है, यही सब बात है। और सर हम लोग का कोई दिक्कत हो काफी से जो है जिससे हम लोग का दिल्ली किया जाए एरिया में सर बोले एक बार डीएम सर उधर जाने का मतलब है बस आई डी। हाँ तो इससे नीचे तो हो ही नहीं रहा आज एक मतलब पीछे 2023 का जो बिहार पुलिस दिवस है उस पर इस साल जो है हमारे आदरणीय पुलिस आम लोगों में पुलिस का विश्वास किस कदर बढ़ाए, यही पुलिस सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य है। जय बोला जय का भैया वर्ष 2023 में बिहार पुलिस दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें कुछ अलग से प्रोग्राम जो है आदरणीय पुलिस महानिदेशक सर के द्वारा जो है उनके नेतृत्व में कराया जा रहा है। आज हम लोग जन जन की ओर बढ़ते कदम मोटरसाइकिल रैली जो है आज से पूरे जिले में हम लोग जो है निकाले, हर गांव वार्ड मोहल्ला में जाएंगे, लोगों से वहां का सार्वजनिक जो समस्या है उसके बारे में जो है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, उनका जो सुझाव है उसको नोट भी करेंगे। जैसे यहां पे आए हुए हैं तेजा टोला में, यहां पे लोगों का कहना है कि शाम में जो है यहां पर कुछ पुलिस पोस्ट की ज़रूरत है, कुछ गश्ती बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसको हम लोगों ने नोट डाउन किया है और इस एरिया में जो है हम लोग गश्ती जो है बढ़ाएंगे। इसमें जो पैम्पलेट है जो कि आप लोगों को भी दिया गया है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आम जन को पुलिस से कैसे जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी समस्या के समय जो है वो पुलिस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे जितना भी कार्यक्रम हो रहा है इसका एक ही उद्देश्य है, आम जनों के बीच पुलिस का विश्वास को हम लोग बढ़ाएंगे, कि इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोग को जितना भी ये काम करना पड़े हम लोग करेंगे, लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे, उनका विश्वास हम लोग जीतेंगे। कब से कब तक है मुहिम ये? 20 से लेकर के 26 तक है। हम लोग पूरे जिले में टीम बनी हुई है, हर थाने में 3-4 टीम है, हर टीम जो है हर गांव में जो है जाएगी, लोगों से बात करेगी, शहर है तो वहां वार्ड में जाएगी, लोगों से बात करेगी। कई समस्याएं आ रही है तो उसका निराकरण कैसे? निराकरण जो है हम लोग नोट डाउन करेंगे, जो भी सार्वजनिक समस्या, जैसे यहां पे हम लोग आए तो हमें पता चला कि यहां पे लोगों को शाम में गश्त की ज़रूरत है, ये बात हमें पता चली, इसे हमने नोट डाउन किया, तो जो गश्ती का हमारा रूट है उसको जो है इस तरफ भी हम लोग डाइवर्ट करेंगे। वैसे ही हम लोग जो है के साथ है, क्या क्या ग्राउंड लेवल पे क्या समस्या देगा? सबसे इम्पॉर्टेंट है जनता का विश्वास पुलिस पर होना, और जनता का विश्वास पुलिस पर होने के लिए आज हम लोग एसपी साहब, डीडीसी साहब के साथ, पूरे पुलिस फोर्स के साथ आज हम लोग जो हमारा बिहार पुलिस दिवस का कार्यक्रम है उसमें हर एक वार्ड में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, और जितनी समस्याएं आज अभी हम लोग निराकरण करने के लिए सक्षम होंगे उसका आज अभी करेंगे निराकरण, और आने वाले समय में यदि हमें अधिक संसाधनों की ज़रूरत होगी उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे पुलिस मुख्यालय पर, संसाधन भी उपलब्ध होंगे, जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन पूरा साथ है जनता के साथ, जनता का भी पूरा विश्वास होना चाहिए पुलिस प्रशासन पर, इसके लिए आज हम लोग निकले हैं
26 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। 27 तारीख को पुलिस लाइन में ब्लड डोनेशन का कैंप होगा, उसमें भी सभी लोग आमंत्रित हैं। और इसी हर एक साल ये मनाया जाता है, आज इस साल डीजीपी साहब के आदेश पर इसको अलग प्रकार से हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर।